हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये टोयोटा हाइलॉक्स है, इसका 2TR इंजन है। इसका टाइमिंग फिटिंग करना है, बैलेंसर टाइमिंग और इंजन टाइमिंग दोनों फिटिंग करना है। अभी बैलेंसर टाइमिंग फिटिंग करेंगे। दोनों बैलेंसर घुसा दिया हूँ लेफ्ट राइट का। अभी इसका ये प्लेट लगा देता हूँ। ये बुश है, प्लेट लगा के टाइट करता हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सीखने को मिलेगा अच्छा आइडिया, और दोबारा ऐसा कभी काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ काम देखोगे तो आइडिया मिलेगा, सीख सकते हो। काम का चीज़ देखोगे तो फ़ायदा है। और वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। ये अभी टाइट कर देता हूँ। ये एक पिनियन पहले वाला ये बैठा देता हूँ। एक पिनियन बैठ गया है, इसका बोल्ट फंसा दिया। अभी इसको थोड़ा घुमा देता हूँ ताकि रबर पोजीशन में आ जाए। उसके बाद ये उसका जो मार्किंग है, मार्किंग देख के बराबर बैठा देना है। अभी बैठ गया बराबर मार्किंग में। इसका बोल्ट फंसा देता हूँ। वसीम भाई इधर कर लो ना, इधर कर लो ना, गंदी लग रहा है। ये इसका बोल्ट लग गया। अभी थोड़ा टाइट कर दिया जाए क्योंकि वो अंदर चला जाता है इसकी वजह से। क्या करेगा वो, पकड़ा जाए जल्दी करेंगे वो। हम लोग उसका बात क्या ऐसी उसको, वसीम भाई का जो ऐसी है ना, वीडियो स्पीड नहीं किया हुआ ना, आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। जो वीडियो का स्पीड है, जो काम का स्पीड है, वही स्पीड में है। उसका कोई मुश्किल नहीं है, होना चाहिए। दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना मेहरबानी करके, क्योंकि पूरा देखोगे तो समझ में कुछ आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये खोलना पड़ेगा पिनियन। ये इसमें नीचे में आता है, इसका इसका बोल्ट फंसा रहता है। इसका बोल्ट दो बोल्ट आता है, टाइमिंग का वायर, टाइमिंग चेन का किट है। नीचे वाला पिनियन डाल दिया जाए, ये ऊपर का पुल्ली खोलना पड़ेगा पिनियन। चलो पहले उसको घुसा देते हैं। उसके बाद उधर वाला खोलना पड़ेगा, ये वाला खोल के उसका ऊपर लेके फिर बैठाएंगे। Now.
के ऊपर ले लेके बराबर मार्किंग में बैठा के मार्किंग में लेके फिर ये पिनियन लगा देंगे। मुश्किल यार भाई, क्योंकि मुझे दाखल की जांच, फीस चक्कर की जांच हुआ भाई, दाखल मौजूद। ये लग गया अभी, अभी इसका नीचे वाला ये साइड में है, ये भी लगा देता हूँ। अभी इसका इसको लॉक कर दिया जाए ताकि उसका ये ऊपर का टाइमिंग किट का टेंशनर का वो किट रखना पड़ेगा इसकी वजह से। अब ये लग गया है, अभी टेंशनर को थोड़ा टाइट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सबको टाइट कर दिया जाए, फिर बाद में यह अभी टेंशनर का लॉक निकाल दिया हूँ, बाद में फाइनल टाइट करेंगे, पहले टच कर देता हूँ। ये टाइट हो गया, अभी गन मार के पूरा टाइट कर देता हूँ, फाइनल टाइट। फाइनल टाइट हो गया, अभी क्रैंकशाफ्ट का बोल्ट लगा देता हूँ, सामने वाला पुल्ली का बोल्ट। अभी इसका टाइमिंग कंप्लीट हो गया, अभी आप लोगों को दिखा देंगे मार्किंग पोजीशन बराबर, ताकि आपका समझ में, आप लोगों का समझ में आए। ये देखो ये वाला पिनियन, ये इसमें इधर मार्किंग लगा के रखा हूँ मैं, ये बराबर मार्किंग भी आ रहा है बराबर है, और उसका बाद ये साइड वाला, इसका भी ये बराबर मार्किंग में आना है। चेंज का एक इसमें रेड कलर का रहेगा, सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम आना है बराबर मार्किंग में। अभी दोस्तों ऊपर वाला इंजन का टाइमिंग फिटिंग करेंगे, हेड का टाइमिंग। इसको बराबर ये मार्किंग में, चेन में एक मार्क आता है, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मार्किंग में लेके बैठाना पड़ेगा। ये आ गया अभी मार्किंग में, बराबर कर लो। उसके बाद इसका साइड वाला लगा दिया जाए, फिर लास्ट में आपको फाइनल मार्किंग का पोजीशन दिखाएगा। ये साइड वाला भी लगा देता हूँ, Thank you.
दोनों बैठ गया, इसका बोल्ट फंसा देता हूँ दोनों का बोल्ट, एक में टेंशनर आएगा, एक में बोल्ट लगेगा ऊपर एक नीचे, एक इसका भी बोल्ट लगा दिया जाए। लास्ट में आप लोगों को इसका मार्किंग पोजीशन दिखाएगा बराबर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसा वीडियो अच्छा लगता है नॉलेज का वीडियो, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना दोस्तों, सोच समझ के बात करना। अभी टेंशनर लगा दिया जाए, सही बता रहा हूँ, टेंशनर लगा देता हूँ। उपमा नहीं बनाया, बहुत दिन थोड़ा बाहर रख के दवा दी, इतना रख के इधर इधर लगा के मैं दबाया था, वो कार्बन है ना सामने आया था, अभी दबा के उसको ये कर, फिर नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो फिर पकड़ेगा, अभी लॉक नहीं होगा, बाहर आ गया तो जंपिंग करेगा, हाँ वो पकड़ लेता है। टेंशनर लग गया, टाइट हो गया, अभी थोड़ा घुमा के चेक करता हूँ, ज़्यादा नहीं घुमाएगा क्योंकि आप लोगों को टाइमिंग पोजीशन बराबर दिखाना पड़ेगा, बाद में मैं पूरा घुमाएगा एक राउंड दो राउंड। अब अभी देखिए टाइमिंग पोजीशन, ये जो मार्किंग है ये सेम टू सेम बैठना पड़ेगा, इधर वाला कैमशाफ्ट का ये भी सेम टू सेम, नीचे क्रैंकशाफ्ट में भी ऐसे एक मार्किंग है, ऐसे सेम टू सेम बैठना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।